अब क्या बताते हैं परमात्मा, दास के पास एक बहन ले आई, अपनी बहन ने, हमारा नाम ले रखा था उस लड़की ने, वो अपनी बहन को ले आई, उसने किसी और संत से नाम ले रखा था। और उसके साथ साथ जैसे अन्य संतों के जितने ये पुजारी हैं, भक्त हैं, वो तो गुरु है ही है, पर क्रिया सारी वही करते हैं जो आम समाज कर रहा होता है। वह बहनें व्रत भी रखती थी, किसका व्रत रखती थी, संतोषी माता का, शुक्रवार का। और जब उसकी बहन ने जहाँ नाम ले रखा था, वो उसको साथ लाई थी कि आप वहाँ से नाम ले लो, हमारे गुरु जी के पास से, आपका, उसका पति शराब पिया करता, और शराब पीकर रोजाना पिटाई करना, घर से बाहर खड़ी कर देना, आप कुंडी ला के सो जाना, ये तकरीबन रोज का ड्रामा था उसका। इस दुख से के निवारण के लिए वो बहन लेकर आई उसको वहाँ पर, इस दास के पास। तो मैंने उसको बताया, बेटी नाम, पहले थोड़ी संगत होती थी, उसको समझा कि दीक्षा से पहले ये नियम सुन ले, कोई व्रत उपवास नहीं करना, अन्य देव की पूजा नहीं करनी, सारी बताई। तो वो कहने लगी, जी मैं तो शुक्रवार का व्रत रखती हूँ, उसका तो दापन करूँगी, फिर देखूँगी, मैं नहीं छोड़ सकती। और उसने अपना दुख बताई दिया था उसकी बहन ने कि इसका पति शराब पीता है, अरिया वहाँ से नाम ले रखी है, और ऐसे ऐसे ये सब क्रिया भी करती है। तो मैंने कहा, बहन पहले ये बता, आप शुक्रवार का व्रत किस लिए करते हो कि घर में शांति हो? पहले तो आपने शुक्रवार के व्रत की कथा का पता नहीं। उसकी कथा कैसे है, एक बहन का पति किसी अपने रोजगार के लिए दूर देश गया था, और वो काफ़ी समय तक वापस नहीं लौटा, तो उस बहन को संतोषी माता दिखाई दी, और उसने कहा कि बहन तू क्यों दुखी है बेटी, तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत कर, तेरा पति घर आ जाएगा। उसने 16 शुक्रवार के व्रत किए, और 16वां शुक्रवार के दिन उसका पति उसके घर आ गया। उसको बड़ी खुशी हुई, फूली नहीं समाई, ये कथा इसकी। यानी 16 शुक्रवार के व्रत करने से ये बेनिफिट है कि किसी का पति किसी कारण से दूर चला गया हो, घर आने की सुध ना रही हो, तो घर आ जा, ये फल हुआ। और तेरा पति रोज आवर रोज कुटे तने, तो भी व्रत रख रही, फूटे भाग चले, तो तेने तो शुक्रवार का व्रत कदे नहीं रखना चाहिए कि एक दो दिन ना हो तो बढ़िया। हाँ, दो चार दिन दे ही तना टूटे तेरी। तो पुण्यात्माओं, बगैर ज्ञान के हमारी ऐसे ब्रांड माटी दुर्गति कर रखी नकली संतों ने।